हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ दहतम ढह गया, लंकेश के इस लाडले का रक्त अस्मय बह गया। द्वारपाल, अपने राजा को जाकर सूचना दे दो कि श्री राम प्रभु इतने दयावान हैं, उन्होंने उसके पुत्र का मृत शरीर बड़े आदर से वापस लौटा दिया है। अब वो अपनी रीति के अनुसार उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर सकते हैं। तब तक हम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसके पश्चात वो ये निश्चय कर ले कि अब भी श्री राम प्रभु की शरण में आना है या युद्ध करके लंका का पूर्ण विनाश करना है। लंका निवासी इस बात का विचार करके अपना अपना मत अपने अहंकारी राजा तक पहुंचा दें तो उनका भला हो सकता है। जय श्री राम। एक राजपुत्र, एक तेजवंत, एक शक्तिमान कहला के गया परम वीर की भांति, वीर के हाथ वीर गति पाके सन्मान सहित रघुवर ने उसे भेजा। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। चेतावनी सभी महाराज नहीं जागेंगे? तुम्हारा अभिप्राय है कि वो हार मान ले? हार नहीं मानेंगे तो इंद्रजीत की तरह वो भी जीवित नहीं रहेंगे, फिर क्या लाभ? परंतु हार कर जीने से भी क्या लाभ, फिर तो प्रजा भी उनका आदर नहीं करेगी। प्रजा का आदर केवल वीरतापूर्वक युद्ध करने से ही नहीं मिलता, कुछ और भी गुण होने चाहिए राजा में। यदि वो इस युद्ध में जीत भी गया तो प्रजा का क्या हित होगा? उन्होंने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए लाखों और हजारों स्त्रियों को विधवा और माओं को पुत्रहीन कर दिया है। मुझे तो ये श्री राम कोई बहुत भले मनुष्य लगते हैं। देखो, राजकुमार के शव को निरादर से नहीं वरन अपनी स्वयं की चादर से ढांक कर भेजा है। लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ दहतम ढह गया, लंकेश के इस लाडले का रक्त अस्मय। आघात पर आघात कितने ही दशानन सह गया, पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी
की बन रह गया, पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी